राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो रहा है और उस तापमान के साथ अब यहाँ धरने पर बैठे हैं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी। राजस्थान के अंदर गर्मी जितनी तेज़ पड़ रही है, उस तेज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि भरी तेज़ धूप के अंदर इस समय कुछ अभ्यर्थी धरने के ऊपर बैठ गए हैं। आरपीएससी से चंद मीटर की दूरी पर ये लोग हैं और अब राज्य सरकार के लिए यहाँ पर हवन कर रहे हैं। इनसे पूरा मामला हम जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने अभ्यर्थियों की, जो आरपीएससी के बाहर धरने पर अभ्यर्थी बैठे थे, लगातार दोनों तरफ सड़कों के दोनों तरफ अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी बैठे थे, उनकी बात हमने आप तक पहुंचाई थी, सरकार तक पहुंचाई थी, और वही मामला अब एक बार फिर से जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता हट चुकी है, तो उसके बाद अब अभ्यर्थी वापस आ चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि पूरा मामला क्या है ये? सर, ये 2 सितंबर 2018 को प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था आरपीएससी के द्वारा 1200 पदों के लिए, और 97,000 अभ्यर्थी थे, उनमें से 72,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। और 8 अक्टूबर 2018 को उत्तर कुंजी जारी कर दी गई और 15 अक्टूबर तक आपत्तियां मांग ली गई। उसके बाद आरपीएससी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, अभी तक हमारा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। आज 9 महीने से अधिक समय बीत चुका है और हमें मजबूर होकर के इस चिलचिलाती धूप में अनशन पर बैठना पड़ा है। अनशन पर बैठना पड़ा है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान राजस्थान के अंदर है, हवन कर रहे हैं राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में यही अभ्यर्थी थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को बढ़ चढ़ कर वोट किया और सत्ता के अंदर भेजा। अच्छा, आप बताइए कहाँ से आते हैं और लगभग कितने अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं? और राजस्थान के हर जिले में से अभ्यर्थी धरने में आए हैं और अभी भी 40 या 50 अभ्यर्थी बैठे हैं। मैं अजमेर से हूँ, ये अजमेर से हैं, ये नागौर से हैं, चूरू से हैं, झुंझुनू से, यानी प्रत्येक जिले से अभ्यर्थी आए हैं। सबकी एक ही मांग है कि 9 महीने हो गए, अब तो कम से कम रिजल्ट जारी हो। रिजल्ट जारी हो। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आरपीएससी के अधिकारियों को इस बारे में आपने अवगत कराया? हाँ जी, हमने बिल्कुल उनको अवगत करवाया है, कई बार हमने पहले भी उनको नोटिस दिया था, उनसे कहा था, हम उनसे मिलके भी आए थे और हम कल भी जब मिलके आए तो उन्हें कहा था कि अब भी अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो फिर हम धरने पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना होगा। हालांकि हम सरकार पर इस तरह का कोई दबाव नहीं बनाना चाह रहे थे, पर अब हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग प्राइवेट स्कूल्स में से बिलोंग करते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, और इस परिणाम की आशा में हमें से कईयों ने नौकरियाँ छोड़ दी कि अगर हमें परिणाम में सफलता मिलती है तो हम आगे कार्य करने के लिए या हमें भागदौड़ करने के लिए समय चाहिएगा, पर ये नहीं पता था कि हमारा जो समय है वो इस तरह से यहाँ व्यतीत करना पड़ेगा, इस धूप में हमें बैठना पड़ेगा और सरकार को अपनी बात पहुँचाने के लिए शिक्षक को सड़क पर आना पड़ेगा। मुझे सबसे ज़्यादा शर्म इसलिए महसूस होती है कि एक टीचर होकर के मुझे इस तरह का कार्य करना पड़ रहा है, मुझे उनके लिए सद्बुद्धि यज्ञ करना पड़ रहा है, तो क्या सरकार को शिक्षक के प्रति सम्मान की कोई भावना नहीं है? क्या सरकार शिक्षक नाम के वर्ग को ही भूल गई है? क्या वो नहीं चाहती कि राजस्थान की शिक्षा पद्धति सुधर जाए? हमने सरकार को इसीलिए चुना था क्योंकि सरकार ने कहा था कि वो 2.5 लाख नौकरियां प्रदान करेंगी, तो जो भर्तियां निकल चुकी हैं, जिनके परिणाम आना बाकी हैं, तो क्या उनके परिणाम में उनको जारी नहीं किया जाना चाहिए? वहाँ कोताही क्यों बरती जा रही है? इससे दो बातें स्पष्ट होती है, या तो कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार इसमें शामिल होने जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई हेरफेर होने वाला है, या सरकार की मंशा सही नहीं है, तो हमें इसका स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल पाता है, तो हम बहुत मानसिक प्रताड़ना को फेस कर। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, जब जब इस देश में चुनाव होते हैं तब तब वोटरों की याद आ जाती है सरकारों को, नेताओं को, लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठते हैं वो भूल जाते हैं कि उन्हें जिन लोगों ने वोट कास्ट कर सत्ता में बैठाया है, उस कुर्सी पर बैठाया है, आखिर उनकी भी कुछ सुननी पड़ेगी। और ये जो प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी इस वक्त चिलचिलाती धूप में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अब इनको यही उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इनकी बात सुनेगी। एक बात बहुत गौर से आपने सुनी होगी कि भ्रष्टाचार की बू इनको कहीं ना कहीं आती है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इनके जो सवाल मन में दौड़ रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। खैर, देखना होगा कि प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के नतीजे सरकार कब तक जारी करती है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।